Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing very well and exam preparations are also going very well. तो friends, आज आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है एक्सिस बैंक की तरफ से वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग. फ्रेंड्स देखिए, ये आपकी आई है प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब, और एक्सिस बैंक जो है एक बहुत बड़ी और अच्छी बैंक है जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है. एज जैसे आपका गवर्नमेंट जॉब की फैसिलिटीज होती है वैसे ही मिलता है, और सैलरी इसमें बहुत अच्छी दी जाती है. और अगर बात करें कि किस टाइप का पोस्ट आया है, तो ग्रुप सी और डी टोटल आपको मिलाकर बात करें ना, तो 8 टाइप का पोस्ट निकल के आया है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी पोस्ट के बारे में कि क्या चयन प्रक्रिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सब है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस विधि से आपका सिलेक्शन होगा, सारा कुछ आगे आपको बताऊंगी. लेकिन अगर आप सर्च कर रहे हो इससे रिलेटेड अप्लाई करने का लिंक, तो वो अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने अपलोड कर रखा है. और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए जाके वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए और अप्लाई का लिंक मिलेगा, उससे आप सर्च करके अप्लाई कर लीजिएगा. देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सिस बैंक में वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है. टोटल पोस्ट की बात करें तो 5000 के अप्रॉक्स रहेगा. ऑल ओवर इंडिया यानी अक्रॉस इंडिया के लिए ये सारी भर्ती रहने वाली है. पोस्ट नेम की बात करें तो कैशियर, बैंकर, रिलेशनशिप ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, सेल्स या ऑफिसर का पोस्ट है, प्यून या स्वीपर जो कि ग्रुप डी का होता है, तो ऑफिस में प्यून की भी नीड होती है, स्वीपर भी चाहिए होता है, तो सारे प्रकार की भर्ती निकल के आई है. इन सभी पोस्ट के लिए जो आपका अप्लाई करने का डेट है ना, 12 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक रहेगा, मतलब कि 12th ऑफ अक्टूबर से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट क्या रहेगा, 21st ऑफ नवंबर. लेकिन अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां पे सर्च कर लेना, और जिस पोस्ट के लायक आपकी क्वालिफिकेशन हो उसका आप अप्लाई कर सकते हो. हाँ, जॉब की लोकेशन की अगर बात करें ना, ये अक्रॉस इंडिया के लिए है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए निकल के आया है. तो मान लीजिए आप किसी सिटी में पहले से रहते हो, अगर वहाँ के लिए चाहिए, तो आप जो लिंक से सर्च करोगे ना, उसके ऊपर फिल्टर का ऑप्शन आएगा, तो अपने सिटी के लिए आप सर्च कर लेना कि आपके शहर में किस किस पोस्ट के लिए भर्ती निकल के आई है, नियर बाय सिटी, या फिर अगर आप इंडिया में कहीं भी जॉब करना चाहते हो तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो. लेकिन उसके लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है. देखिए, फॉर्म का जो फी है ना, 0 रुपीज है, मतलब सभी कैटेगरी के कैंडिडेट, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो, किसी से यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है फॉर्म का, ठीक है. अब बात करते हैं एज की लिमिट क्या रहेगी. तो एज लिमिट है आपका 18 to 40 years, मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष के सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे. क्वालिफिकेशन वाइज अगर बात करें ना, कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या डिमांड की गई है, तो 10th पास के लिए भी वैकेंसी है, 12th जो पास है वो भी भर सकते हैं, और ग्रेजुएट जैसे कि आप पीओ, क्लर्क वगैरह का जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं. अब ग्रेजुएशन में क्या स्ट्रीम है ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, परसेंटेज कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. यहाँ पर अगर बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया क्या होगा, तो आपका 2 stage का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पे जाके सर्च करके आपको अप्लाई करना होगा, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, फिर आपको क्या होगा ना, कि आपके मेल पर एक कॉल लेटर सेंड किया जाएगा. जिस रीजन के लिए, जिस सिटी के लिए अप्लाई करोगे, वहां पर जाके सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंटरव्यू देना होगा, मतलब एक पर्सनल इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा. इंटरव्यू में आप क्वालिफाई हो जाओगे तो फिर से आपको कॉल लेटर जाएगा, तब आपको वहां पर जाके क्या करना होगा, अपना डॉक्यूमेंटेशन कराना होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, फिर आपको जस्ट ही ज्वाइन करा लिया जाएगा. और अगर एक्सपीरियंस वगैरह की बात करें तो कोई इशू नहीं है, एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर्स हो, सभी के लिए मौका रहेगा, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे. सो आई होप कि इस पोस्ट की आप सारी डिटेल समझ गए होंगे. जॉब लोकेशन मैं बार बार बता रही हूँ कि अक्रॉस इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया के लिए रहेगा.
तो ये सारी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स तो आप जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें सैलरी क्या मिलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे प्यून स्वीपर से लेके प्रोबेशनरी ऑफिसर तक आपकी भर्ती है, बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट है। तो सबका तो एक बराबर सैलरी नहीं होता है, पोस्ट वाइज ग्रुप सी और डी का अलग होता है। तो देखिए, आपका सैलरी जो है ग्रुप डी के लिए अगर बात करें तो 18,800 से शुरुआत होता है, और आपका जो हायर लेवल का पोस्ट होता है ना, उसके लिए 28,000 से 30,000 आपको दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन्ड है 27,600 रुपया। तो सैलरी बहुत अच्छा मिलता है, और बाद में ना पर ईयर इंक्रीमेंट भी होती है आपके सैलरी में, और बहुत सारे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि एक्सिस बैंक एक बहुत अच्छा प्राइवेट बैंक है। गवर्नमेंट जॉब तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको इसमें भी परमानेंट जॉब ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप इसको बोल सकते हैं। बाद में धीरे धीरे अच्छा जॉब करोगे तो आपको कोई हटाएगा नहीं आपके पोस्ट से। सो आई होप कि इसके रिगार्डिंग आप सारा डिटेल समझ चुके होंगे। अप्लाई का लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो जाइए अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने सिटी के लिए या कहीं के लिए भी अप्लाई कर लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट को लेके। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।